सो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, और अगर आप पहले से इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं या आप भविष्य में भरना चाहते हैं तो आपको इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इनकम टैक्स रिटर्न की, तो दोस्तों अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न के दायरे में नहीं भी आते हैं तब भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको कई फायदे होते हैं। दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से हमें लोन मिलने में आसानी होती है, और दोस्तों इसके अलावा ये वीजा के लिए भी बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें पॉइंट नंबर वन की, तो दोस्तों पॉइंट नंबर वन कहता है कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो आपको लोन मिलने में आसानी हो जाती है, क्योंकि दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न हमारी इनकम का प्रूफ होता है और कई बैंक इसे इनकम प्रूफ के तौर पर भी स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि अगर हम बैंक में लोन के लिए आवेदन करते हैं तो बैंक कई बार ITR मांगते हैं, और अगर आप नियमित तौर पर ITR फाइल करते हैं तो आपको बैंक से लोन मिलने में आसानी हो जाती है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें पॉइंट नंबर टू की, तो पॉइंट नंबर टू कहता है कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको वीजा मिलने में आसानी हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप किसी दूसरे देश में जाना चाह रहे हैं या जाना चाहते हैं तो आपको वीजा के लिए आवेदन करना होता है, और आवेदन करते टाइम आपसे इनकम टैक्स रिटर्न मांगा जा सकता है, क्योंकि कई देशों के वीजा अथॉरिटीज वीजा के लिए 3 से 5 साल तक का इनकम टैक्स रिटर्न मांगते हैं। और दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न के जरिए वे चेक करते हैं कि जो आदमी उनके देश में आना चाहता है उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। दोस्तों, अगर हम बात करें पॉइंट नंबर थ्री की, तो दोस्तों अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको टैक्स रिफंड क्लेम करने में आसानी हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपकी इनकम या आमदनी से टैक्स काटकर सरकार के पास जमा करा दिया गया है तो उसे आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए बिना उसे वापस नहीं ले सकते। तो दोस्तों, अगर आपको इनकम टैक्स रिफंड क्लेम करना है तो इसके लिए आपको ITR दाखिल कराना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों जब आप ITR दाखिल करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसका असेसमेंट करता है, और अगर आपका रिफंड बनता है तो वह सीधे बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें पॉइंट नंबर फोर की, तो पॉइंट नंबर फोर कहता है इनकम टैक्स रिटर्न की जो रसीद होती है वो आपके एड्रेस प्रूफ के काम में आती है। तो दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न रसीद आपके पंजीकृत पते पर भेजी जाती है जो एड्रेस प्रूफ के रूप में काम आती है। इसके अलावा यह आपके लिए इनकम प्रूफ का भी काम करती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।